अमृत भाई, एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी चार दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। शराफत अली को शराफत ने मारा। आखिर क्यों असली दूध में पानी मिलाना इतना जरूरी है? दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हुए हैं जिन्होंने मुख्य भूमिका ना निभाते हुए भी दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ी। वो इसलिए हुजूरे वाला कि हम हिंदुस्तानियों को रस्मन ना तो कभी असली चीज खाने को मिली है और न ही आदतन हम में असली चीज को हजम करने की ताकत है। वो जिस किरदार में दर्शकों के सामने आए बस उसी किरदार के होकर रह गए। मेरा दावा है हुजूर कि अगर गलती से हमें असली दूध या असली घी खाने को मिल जाए तो हम बीमार हो जाएंगे, हमारी औलादे कमजोर पैदा होंगी। ऐसे ही एक कलाकार थे शफी इनामदार। उन्होंने धारावाहिकों से लेकर फिल्मों तक में यादगार भूमिकाएं निभाई। और अगर हमारे बच्चे ही कमजोर होंगे तो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे मुल्क का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। जी हाँ, आज की इस वीडियो में बातें होंगी अभिनेता शफी इनामदार की। इनका जन्म 23 अक्टूबर 1945 को हुआ था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म विजेता से की थी। क्या हुआ आपा? क्या हुआ आपा? और इसे अर्ध सत्य में जारी रखा। उन्होंने ये जो है जिंदगी सहित कई टेलीविजन धारावाहिकों में भी अभिनय किया। आपा, जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है तुम कभी बेघर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्म भूमिकाओं में आज की आवाज में इंस्पेक्टर आवाम में खलनायक और नजराना, अनोखा रिश्ता, अमृत जैसी फिल्मों में नायक का दोस्त शामिल है। किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा। उनकी कुछ अन्य फिल्में कुदरत का कानून, जुर्म, सदा सुहागन और लव 86 हैं, जो सभी सफल रही। अरे बेगम, शराफत अली का कोट है, किसी बदकुमाश का नहीं है। शफी इनामदार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंगारी, दापोली, रत्नागिरी, एसएस और मुंबई, भारत में उमरखाड़ी से सेंट जोसेफ हाई स्कूल में प्राप्त की, जहां उन्होंने 1958 में एसएससी परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने 1963 में कैस कॉलेज से बीएससी भी किया। शफी इनामदार को खास तौर पर आम आदमी का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने कई टेलीविजन शोज में अभिनय किया, जिनमें सबसे उल्लेखनीय 80 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ कुंदन शाह का शो ये जो है जिंदगी है, जिसने उन्हें घर घर में मशहूर बना दिया था। ये शो इतना लोकप्रिय हो गया था दोस्तों कि इसका असर फिल्मों के व्यवसाय में भी पड़ने लगा था, क्योंकि ये शुक्रवार की देर रात को प्रसारित होता था। ये धारावाहिक इतना हिट था कि ये 61 एपिसोड तक चला, जबकि आम तौर पर एक धारावाहिक अधिकतम 25 सप्ताह तक चलता था। टेलीविज़न पर उनका आखिरी प्रदर्शन तेरी भी चुप मेरी भी चुप में था। उन्होंने हिंदी फिल्म यशवंत में एक वकील की भूमिका निभाई थी, जो उनकी डेथ के बाद रिलीज हुई थी। वो रमेश सिप्पी की फिल्म सागर में भी नजर आए थे। शफी इनामदार ने नाना पाटेकर, ऋषि कपूर और पूजा भट्ट अभिनीत हम दोनों नामक फिल्म का निर्देशन भी किया। फिल्म हिट रही और उन्हें एक अच्छा निर्देशन माना जाने लगा। स्कूली शिक्षा के दिनों से ही शफी इनामदार की रुचि नाटकों में थी और वो स्कूली नाटकों में अभिनय और निर्देशन करते थे। उन्होंने भाषण प्रतियोगिता और वाद विवाद में भी भाग लिया था। ये उनके कॉलेज के दिनों तक जारी रहा और एक प्रदर्शन कलाकार और एक थिएटर व्यक्तित्व बनने की उनकी इच्छा तीव्र हो गई। उन्होंने गुजराती थिएटर कलाकार प्रवीण जोशी के मार्गदर्शन में एक अभिनेता और निर्देशन के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने 1973 से 1978 तक हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी में लगभग 30 एकांकी नाटकों का निर्देशन और अभिनय किया। बाद में वो भारतीय राष्ट्रीय रंगमंच और भारतीय पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन में शामिल हो गए, जहां उन्होंने बलराज साहनी और भारतीय रंगमंच के
अन्य सदस्यों से मुलाकात की और बारीकियां भी सीखी। उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ इसमत चुगताई का नाटक नीला कमरा था, जिसे उन्होंने हिंदी में अपने पहले व्यावसायिक उत्पादन के रूप में मंचित किया था। 70 के दशक में उत्तरार्ध में जब पृथ्वी थिएटर की शुरुआत हुई तो शफी इनामदार को कई हिंदी नाटकों का निर्माण करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें एक थिएटर व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने 1982 में अपने खुद के थिएटर ग्रुप हम प्रोडक्शंस की स्थापना की और विभिन्न नाटकों का निर्देशन, निर्माण और अभिनय किया। उन्होंने मानव नाटक नाग मंडल पर आधारित हास्य और लोक रंगमंच का भी मंचन किया। 1983 में शफी इनामदार ने हिंदी स्क्रीन पर पहली बार शशि कपूर द्वारा निर्मित और गोविंद नहलानी द्वारा निर्देशित फिल्म विजेता में काम किया। आज की आवाज़ के लिए शफी इनामदार ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकन भी जीता। आवाम और दहलीज जैसी बीआर चोपड़ा की फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया और बीआर चोपड़ा की फिल्म कैंप के नियमित सदस्य बन गए। दोस्तों, शफी इनामदार ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। सपोर्टिंग रोल में भी उनकी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी इतनी खूबसूरत हुआ करती थी कि छोटे से सीन्स में भी वो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। शफी इनामदार ने इंडस्ट्री में करीब 2 दशकों तक काम किया। उन्होंने विनोद खन्ना के साथ जुर्म, इज्जतदार, फूल बने अंगारे, क्रांतिवीर, यशवंत, अकेले हम अकेले तुम जैसी फिल्मों में काम किया था और नाना पाटेकर के साथ उन्होंने यशवंत फिल्म में काम किया और यही फिल्म उनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई थी। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो शफी इनामदार ने भक्ति बर्वे से शादी की थी। वो अपने करियर के पिक पर थे तब कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर पूरा देश दहल गया था। 13 मार्च 1996 का दिन शफी इनामदार इंडिया और श्रीलंका के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच देख रहे थे और उसी समय उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ गया और 50 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उस समय वो कॉमेडी शो तेरी भी चुप मेरी भी चुप में एक्टिंग कर रहे थे। ये शो उनकी मौत के बाद बंद हो गया था। शफी इनामदार की मौत के बाद उनकी पत्नी भक्ति बर्वे की भी दर्दनाक मौत हो गई। 12 फरवरी 2001 को एक रोड एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। शराफत अली को शराफत ने मारा। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।